मैं दो तीन बातों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो पानी की बात मैं करना चाहूंगा, पानी हर घर में पहुंच जाएगा इस साल, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पानी समिति बनाई गई है सभी जगह में, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, शहरों में अमृत 2 अभी आएगा उसमें इंतजाम हो जाएगा, लेकिन गाँव में हर घर में पानी पहुंच जाएगा इस साल। अब पानी समिति जो है, अब पानी समिति काम को नहीं देखें और दो साल बाद शिकायत करें कि भाई ये काम ठीक से नहीं हुआ, तो दिखने का वक्त यही है। और जितने भी पानी समिति गांव में बने हुए हैं तो अपने काम को देखिए और उसमें निश्चित करिए कि काम में कोई कमी हो तो अभी बताइए, ताकि उस काम में कोई कमी नहीं रहे। अब सबसे मेरी गुजारिश है कि अगले 30 सालों तक पानी का ऐसा कोई स्कीम आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो पानी समिति के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उस पर खास अपना योगदान दें और पानी की जो सहूलियत दी जा रही है उसको पूरा 100% अच्छी तरह से अचीव करें, ताकि आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। बिजली के बारे में लोगों ने बात किया कि आपको 100 कुछ आपको 150 मेगावाट चाहिए वगैरह वगैरह। अगर मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ कि पिछले 3 सालों में हम लोगों ने 31,000 करोड़ बोरो करके, उधार ले करके बिजली के बिल चुकता किए हैं। इस तरह से बिजली की व्यवस्था नहीं चल सकती है। यहाँ पे AT&C लॉसेज मैं मान के चलता हूँ कि 50% से ऊपर होगा, और हम लोग 50% सब्सिडी देते हैं, तो जो 100 रुपया देकर के हमें 20 रुपया भी वापस नहीं आता है। अगर लोग बिजली का जो भी सब्सिडी के साथ पैसा दिया मांगा जाता है वो दे दें, तो 24 घंटे बिजली मिलेगी। नए गुरुद्वारा में 24 घंटे बिजली हो और 100% पेमेंट हो, इसकी व्यवस्था बहुत आराम से की जा सकती है। और अगर यहाँ से सब लोग यही सोच के जाए कि भाई ये मकसद नहीं हो कि मुफ्त में बिजली मिले, बल्कि ये हो कि 24 घंटे बिजली मिले। इतने गरीब नहीं हम लोग कि हम लोग बिजली का बिल चुकती नहीं कर सकें, लेकिन 24 घंटे बिजली मिल सकती है।